ओके, तो आप आगे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 8K। जी हाँ, यानी कि 8,000 के अंडर आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका जो बजट होता है वो बहुत ही टाइट होता है, और वो लोग चाहते हैं कि 8,000 के अंडर हमें कोई ऐसा स्मार्टफोन मिल जाए जो सबसे बढ़िया हो अभी मार्केट में, और यहाँ पर 8,000 रुपये से ऊपर वो 1 रुपए खर्च नहीं करना चाहते। तो भैया, ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ, आज इस वीडियो में आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे यहाँ पर मैं आपको 6 स्मार्टफोन बताने वाला हूँ। टॉप 6 स्मार्टफोन जो आई थिंक मेरे ख्याल से 8,000 की प्राइस पॉइंट पे या फिर 8,000 के नीचे 6-7 हज़ार में बेस्ट स्मार्टफोन है जी हाँ अभी तक मार्केट में। तो यहाँ पर हर एक स्मार्टफोन कंपनी से मैंने सिर्फ एक ही स्मार्टफोन चूज किया है, और यहाँ पर मैंने सिर्फ उन्हीं कंपनी के स्मार्टफोन को चूज किया है जिन्होंने आपको 8,000 के अंडर में काफी, यानी सबसे बेस्ट स्पेक्स अभी तक प्रोवाइड किया है। तो चलिए जानते हैं ये स्मार्टफोन कौन से है। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू, और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी के अंचल में आपका स्वागत है। तो नंबर 6 पे आता है दोस्तों मोटोरोला E6S। आई नो, मोटोरोला जो स्मार्टफोन कंपनी है वो इंडिया में काफी कम स्मार्टफोन लॉन्च करती है, स्पेशली यहाँ पे 2019 में तो बहुत ही कम स्मार्टफोन, इक्के दुक्के स्मार्टफोन यहाँ पे लॉन्च किए थे। बट यहाँ पर जो मोटोरोला E6S लॉन्च किया था, इसकी जो अभी प्राइस है, जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है ये अंडर 8K, आई थिंक मेरे ख्याल से ये मोटोरोला का स्मार्टफोन काफी कमाल का है। तो मोटो E6S जो स्मार्टफोन है वो आपको फिलहाल अभी 6999 में मिल रहा है, यहाँ पर 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। यहाँ पर आपको रियल में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, 13+2 मेगापिक्सल का फ्रंट में, 8 मेगापिक्सल का कैमरा, 6.1 इंच की यहाँ पर आपको HD डिस्प्ले मिलती है, 3000 mAh की बैटरी मिलती है, और यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर मिल रहा है यहाँ पर। तो यस, यहाँ पर आपको 6999 में आपको काफी चीज़ें अच्छी मिल रही है, जैसे 4GB रैम हो गया, 64GB स्टोरेज हो गया, मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर हो गया, डिसेंट प्रोसेसर है, एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है मैं कहूँगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको डुअल कैमरा देखने को मिल रहा है, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, और साथ में बड़ी डिस्प्ले मिलती है। तो यहाँ पर 6999 में आई थिंक मेरे ख्याल से मोटोरोला का ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है एंट्री लेवल के हिसाब से। नंबर 5 पे आता है दोस्तों इन्फिनिक्स का Hot 8। जी हाँ, देखा जाए तो ये कंपनी भी एंट्री लेवल स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर ओवरऑल आपको जो स्पेक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं, बस यहाँ पर अगर इन्फिनिक्स थोड़े से प्रोसेसर और बढ़िया ला दे तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये भी मार्केट में आग लगा सकता है। तो इन्फिनिक्स का ये हॉट 8 स्मार्टफोन आता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, इसकी प्राइस है 6999, और यहाँ पर आपको मिलती है 5000 mAh की लंबी बैटरी, डुअल कैमरा, साथ में यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6.52 इंच की HD+ डिस्प्ले, और साथ में मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर। तो यार देखा जाए तो यहाँ पर आपको 7,000 की प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर आपको 5000 mAh की लंबी बैटरी, डुअल कैमरा, साथ में बड़ी स्क्रीन, वो भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। तो ये चीज देखा जाए तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, स्पेशली यहाँ पर अगर आप एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से देखोगे तो। नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी M10। जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिलता है 7999 में। अगर आप इसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे देखोगे तो शायद आपको जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिले, लेकिन सैमसंग की वेबसाइट पे इसकी जो प्राइस है वो है 7999। और यहाँ पर मैं कहूँगा आप वो यूज़र हो जिसको सिर्फ सैमसंग का फ़ोन ही चाहिए, और यहाँ पर आपको जो बजट है वो अंडर 8K है, 8,000 रुपये है, तो यहाँ पर आप सैमसंग गैलेक्सी M10 के साथ जा सकते हैं। तो इस प्राइस पॉइंट में यहाँ पर आपको मिलती है 3GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज, साथ में 6.2 इंच की HD+ इन्फिनिटी यू डिस्प्ले देखने को मिलती है, 13 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा मिलता है, 3400 mAh की बैटरी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर दे रखा है वो दे रखा है एक्साइनोस का 7870 प्रोसेसर। तो यहाँ पर सैमसंग का ये जो गैलेक्सी M10 स्मार्टफोन है ये भी 7999 की प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। हाँ, कुछ कमियाँ ज़रूर है, जैसे कि फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, साथ में सिंगल कैमरा है, बैटरी भी थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आप 500 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो तो यहाँ पर आपको 8,500 रुपये में यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M10S वर्जन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, साथ में यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी। तो यहाँ पर आई थिंक मेरे ख्याल से यही सजेस्ट करूँगा कि 500 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर लो और गैलेक्सी M10S के साथ चला जाओ, आई थिंक मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है दोस्तों एसूस की तरफ से। जी हाँ, एसूस भी बहुत ही कम स्मार्टफोन लॉन्च करता है, बट यहाँ पर अंडर 8K में मेरी नज़र में एक स्मार्टफोन है एसूस की तरफ से जिसका नाम है एसूस ज़ेनफोन मैक्स M2। जी हाँ, इसकी जो प्राइस है वो है 7499, यानी ये भी अंडर 8K आता है। तो
इस प्राइस पॉइंट में यहाँ पर आपको मिलती है 3GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज, साथ में यहाँ पर आपको 6.2 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलती है नॉच के साथ, साथ में यहाँ पर आपको 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है, 8MP का फ्रंट कैमरा दे रखा है और 4000mAh की बैटरी दे रखी है और ये आता है क्वालकॉम 632 प्रोसेसर के साथ। तो देखा जाए तो ASUS की तरफ से ये जो स्मार्टफोन है मैं कहूँगा काफ़ी इंप्रेसिव है अगर आप देखोगे प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा बताना मुझे नीचे कमेंट में। एंड हाँ, अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद आते हैं ना तो मुझे बताओ यार वीडियो को लाइक करके, वीडियो लाइक करोगे आपको भी अच्छा लगेगा मुझे भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है दोस्तों Redmi की तरफ से और यहाँ पर अंडर 8K में Redmi का स्मार्टफोन ना हो आई थिंक मेरे ख्याल से ये नाइंसाफी होगी। जी हाँ, तो यहाँ पर Redmi का एक स्मार्टफोन है Redmi 8A, जी हाँ, जिसकी जो प्राइस है वो है 699। तो इस प्राइस पॉइंट पे आई थिंक मेरे ख्याल से Redmi का ये जो 8A स्मार्टफोन है कमाल का है। तो भैया यहाँ पर आपको 7000 के प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है यहाँ पर आपको 6.2 इंच की HD+ डिस्प्ले, सिंगल 12MP का कैमरा, 8MP का फ्रंट कैमरा, 5000mAh की लंबी बैटरी, साथ में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर, 3GB की रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज। ये तो छोड़ो यार, यहाँ पर आपको 7000 की प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलता है जो आई थिंक मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ Xiaomi ही प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आप Xiaomi के फ़ोन लेना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ तो आई थिंक मेरे ख्याल से 7000 की प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर आप Redmi 8A के साथ जा सकते हो। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा शॉकिंग है। जी हाँ, वैसे नॉर्मली मैं रिसर्च करा था, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार इस प्राइस पॉइंट पे ये वाला फ़ोन भी अब मिल सकता है। जी हाँ, इसका नाम है Realme। जी हाँ, Realme बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन निकाल रहा है अच्छे अच्छे प्राइस पॉइंट पे और Xiaomi को भी काफ़ी अच्छा खासा टक्कर भी दे रहा है। तो यहाँ पर जब मैं रिसर्च कर रहा था, अगर वैसे मेरी नज़र में नॉर्मली था यहाँ पर Realme की तरफ से अंडर 8 के कैटेगरी में Realme 3i था या फिर कह लो यहाँ पर Realme C2 था, बट जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो एक स्मार्टफोन देखा जिसकी जो प्राइस है वो कुछ ज़्यादा ही घट गई है। जी हाँ, और उस स्मार्टफोन का नाम है Realme U1। तो Realme U1 में आपको मिलता है 6.3 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले, साथ में यहाँ पर आपको डुअल कैमरा मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट में यहाँ पर आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जो आता है सोनी IMX576 सेंसर के साथ। जी हाँ, इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो P70 प्रोसेसर, 3500mAh की बैटरी, और क्या चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको 3GB की रैम, 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो यहाँ पर आपको 8000 की प्राइस पॉइंट पे मीडियाटेक हीलियो P70 प्रोसेसर, 25MP का सेल्फी कैमरा सोनी IMX576 सेंसर के साथ, साथ में यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही प्रीमियम दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फुल HD+ डिस्प्ले, जो अभी तक मैंने जितने भी स्मार्टफोन बताया आपको किसी में फुल HD+ डिस्प्ले नहीं मिलता अंडर 8K में, इसी वजह से यहाँ पर मैंने इसे ऐड किया। वैसे दोस्तों आपको कैसे लगे ये स्मार्टफोन, वैसे मेरी नज़र में जितने भी स्मार्टफोन थे अंडर 8K के कैटेगरी में टॉप स्मार्टफोन मैंने बता दिए, अगर आपकी नज़र में भी कोई स्मार्टफोन है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे जानकर खुशी होगी। एंड हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक मारो और बताना मुझे नीचे कमेंट में कि आपको ये स्मार्टफोन जो मेरी चॉइस है कैसे लगी, क्या आप इससे सहमत हो, जो भी आपके ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड कुछ भी सवाल है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, सोशल मीडिया पे जाके फॉलो करके वहाँ पे जाके मुझे ट्वीट करके मैसेज करके पूछ सकते हो। एंड मिलता हूँ मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय बाय।